आठ ना छबड़िया। नहीं क्यों, तुम भी महाराष्ट्र हो क्या? चल रहा है महाराष्ट्र में? अबे यार अलग ही न्यूज आई है, मतलब यूपी साथ मुझे समझ में आता महाराष्ट्र। जब देखिए मैं नहीं मालूम ना, औरंगाबाद की न्यूज है तो बंदा बंदी बस स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट टू रूल। बट बंदा हराम ही निकला, बंदी की दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी, और जैसे बंदी को पता चला बंदी ऑन द स्पॉट बस स्टैंड पे दो लड़कियां एक बंदे के लिए लड़ रही हैं। गेस करो लड़का क्या करेगा, दोनों में से एक चुनेगा, भागा पतली गली से कि तीसरी को ना पता चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बंदा भाग गया, बंदियां जेल में, अरेस्ट नहीं हुई बट काउंसलिंग के लिए। हाँ बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, हाँ तू निब्बे सुनने वाली है, बस स्टैंड पे लड़ गया ये लड़के के लिए, हरामी वाला। साले हम जैसे कोई नहीं पूछता, शरीफ है हरामी के पीछे दुनिया पागल। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे? और नहीं तो क्या यार, ये दुखी तो है। अब देखो ना इसके पास दो दो सिल्वेस्टर स्टोन, हाँ हाँ रैम्बो अपना रॉकी भाई, रॉकी था ना, हाँ रॉकी बालबुआ। 25 साल शादी के बाद पत्नी बोलती अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना। मैं जेन्युइनली, मेरे को सरप्राइज भी नहीं कि डिवोर्स हुआ है। मैं सरप्राइज इस बात पर था, ये शादी शुदा है। अबे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो टर्मिनेटर और इसकी पर्सनल लाइफ को लेकर ना हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। क्योंकि उसके पास बहुत सारे वो है सेक्सुअल केसेस हैं, हरासमेंट के, असॉल्ट के, वो तो माइक टाइसन के पास नहीं है। साले सबके पास सब कुछ है हमें छोड़ के। Why are we still here? Just to suffer. But मेरा फिर भी ठीक है, हाँ मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मेरा ठीक है क्योंकि मेरा नाम मुनावर फारूकी नहीं है। जब देखें क्योंकि मैं नहीं मालूम, अभी मुनावर फारूकी का शो था हैदराबाद में जिसको लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, और बाद में वो शो सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ गए, सारे लोग इंजॉय करके आए, शो देखा उन्होंने, एंजॉय किया, पुलिस प्रोटेक्शन थी सब कुछ। बट उसके बाद उसका बैंगलोर का शो कैंसिल हो गया। अभी खबर ये आई है कि उसका दिल्ली में शो था 28 तारीख को, जिसके लिए पुलिस ने रिजेक्ट कर दी, जो लाइसेंसिंग होती है वो रिजेक्ट कर दी, ये कोट करते हुए कि अगर वो बंदा परफॉर्म करेगा तो शहर में जो कम्युनल हार्मनी है, जो भाईचारा है, वो बेकार हो जाएगा। सही में अपना बहुत सही है, मतलब कल तक, मतलब अभी मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं। जब मैं बच्चा था ना हम सुनते थे दिल्ली दिलवालों की, ये कौन सा दिल, कहाँ गया हमारे दिल, अरे कोई ढूंढ के लाओ। अरे मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो जाता भी नहीं देखने के लिए, अगर वो आता भी तो। बट वो मेरी चॉइस है ना, ये थोड़ी है कि हाँ ना नहीं तू आएगा ना तो सीन हो जाएगा, ये तो तुम्हारी खुद की नाकामी है। अगर हैदराबाद में वो शो हो सकता है बिना कोई टेंशन के, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब किए बिना, तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। मतलब तुम कह रहे हो हैदराबाद पुलिस काबिल है और दिल्ली पुलिस नहीं है, लॉ हो तो यार, कानून व्यवस्था बनाए रखना तुम्हारा काम है, नहीं तू नहीं। हमें सरप्राइज नहीं दिल्ली पुलिस को लेके कि हाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया, बट इतने सारे केसेस हैं दिल्ली के, जेएनयू हैं, लाठी चार्ज, और आज तक कोई अरेस्ट नहीं है। मुनावर फारूकी बिल्कुल कम्युनल टेंशन बढ़ा देगा, कॉलेज में घुस के बंदे फीट दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसानों में वाटर कैनन फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन सारी व्यवस्था बेकार कर देगा। अभी जिसको जो सोचना है ना सोच सकता है, राइट विंग वाले बोलेंगे हाँ ना तो वो है मुस्लिम है पाकिस्तान चला जा, लेफ्ट विंग वाले एग्री करेंगे नहीं करना मत करो, मैं सेंटर में हूँ, मैं ना मैं कभी धर्म के चक्कर में पड़ा हूँ ना मैं पढ़ूंगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, एक स्टैंड अप कॉमेडियन से तुम्हारी पढ़ रही है, जबकि नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करके करवा भी देते हैं। अभी क्या मेरे ख्याल से कौन सी मार्केट में हुआ था जो कपिल मिश्रा के डायलॉग के बाद हुआ था, तो मुझसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो तो करके चला गया तुम्हारे सामने, तब नहीं होगा तुमसे, ये मजाक करना है कॉमेडी, तो उसे अलाउ नहीं कर रहा। मैं सीरियसली मैम, मरना तेरे को डर नहीं लगता? काइंड ऑफ ये एंड्रयू टट्टे मटाटे वाला सीन नहीं लग रहा तुम्हें? जो बोल रहा है वो सही है गलत वो मैटर नहीं है, तुम उसे करने ही नहीं दे रहे, बोलने ही नहीं दे रहे, वो गलत है। तुम आवाज बंद कैसे कर सकते हो यार, वो भी ये रीजन देखे जो तुम्हारा काम है, एक लौता काम है तुम्हारा, हार्मनी मेंटेन करना है, नहीं हो पाएगा हमसे, तू मत। ये क्या बात है? हाँ मेरी आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई है यार, इसलिए मेरा मूड भी ठंडा पड़ा है, बस 8 मिनट रिकॉर्ड किया है न्यूज का, तो अभी कुछ नहीं है यार, न्यूज मैंने डाली नहीं वीडियो, और न्योन मैन पता नहीं क्या न्यूज दी है, ये मिस्टर बीस के 1 मिलियन हो गए ही नहीं होंगे, चुप ना घर पर काम करो ना, ये न्यूज भी बना रहा है तो जबरदस्ती। अबे बेवकूफ बनाते बट ऐसे थोड़ी बनाते हैं, बता के बनाओगे? हाँ मैं फुद्दू काटने वाला हूँ तुम लोगों का, देख लो।
ट्रिगर्ड इंसान ने अपनी वीडियो डाल दी जो मेरे को काफी यूनिक और फनी लगी। दोनों भाई एक ही टाइप की वीडियो बनाने लग गए हो क्या? अबे कर तो रहा है, अभिषेक करने देना उसे। अभी तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो वाली 500 रुपए में सर्वाइव करना, भाई साहब 250 रुपए के नींबू ले, 1 किलो नींबू का करना क्या है? जेनुअनली तुम कितने, 3 भाई बहनों, मम्मी पापा, 5 लोगों में 1 किलो नींबू, अबे भंडारा करवा रहे हो क्या? अबे आधे पैसे खर्च हो गए बेचारे के पास, 250 रुपए तो 24 घंटे सर्वाइव करने के लिए यार, और 250 क्या, 310 रुपए तो सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गए। मैं बताऊ, मैं जेनुअनली एक ऑनेस्ट कंप्लेन है मेरी अभिषेक को कि उस वीडियो से स्पेसिफिकली कि आधे टाइम तो या तो प्रॉब्लम गिना हो रहा है या तो भूख लगी हुई है। प्रॉब्लम गिना उसमें मजा आता है क्योंकि फिर वो टेंशन बनता है। जैसी प्रॉब्लम की बात करते हैं उसके अगला बिट, चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, अबे कितना खाएगा बस कर, और फिर बोलते डाइटिंग पे हूं मैं, अबे ये रोस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये बस एक जेन्युइन बस सजेशन है। बट ट्रिगर्ड इंसान की वो आज जो वीडियो आई वो मेरे को काफी फनी लगी। कौन सस्ता कौन बनेगा करोड़पति ओमेगा पे, मैं कहा ये कुछ यूनिक है, ये कुछ अच्छा है। और ट्रिगर्ड इंसान की बात करें तो भुवन की वीडियो आ गई है, दुबई घूम रहे रोहित भैया के साथ, एक बेड था उसमें जहां पे ना वो उनके बेड पे और क्या टब में बाथटब में दूध के पानी के साथ फ्लावर्स पड़े होते हैं रोज। मैं बाबू जी को छोड़ दो, इस पे तो मैं आप पे शक कर रहा हूँ। अबे साले बाकी टीवी पे क्या चल रहा है? ये केबीसी में एक बंदा कंटेस्टेंट जीता फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पता नहीं क्या। एक ये नाम सुनते ही तो मैं डबल में नहीं लगता, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो वो जीता और उसने कपड़े उतार दिए। मैं बताओ साले इतनी गर्मी में पसीने पोंछ पोंछ के वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये नेशनल टेलीविजन पे कपड़े उतार रहा है यार बंदा, शर्म नाम की चीज नहीं है। मतलब नीरज चोपड़ा डायमंड लीग टाइटल जीत गया, पहला इंडियन हिस्ट्री में, वो प्राउड होकर टीवी पे नहीं आ रहा ढंग से, ये कपड़े उतार रहे। हाँ ये आदमी तो है ना अध्याड़ उमा का, इसलिए कंप्लेन है, लड़के थे मैं नहीं कर रहा होता, फिर तो हम लोग खुद देख रहे होते। कौन देखता है केबीसी? मैं नहीं देखता आज, क्या फायदा जब आंसर नहीं मालूम होते, अबे देखने के बाद ऐसा लगता है क्या बेवकूफ आदमी, और मेरे को कुछ नहीं आता। बाकी और कोई न्यूज नहीं है, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, गूगल ने 2000 से ऊपर लोन वाले जो एप्स हैं उनको बैन कर दिया है, टोटल गेमिंग कह रहा है कि 10 दिन के अंदर फ्री फायर वापस आ जाएगा। कैसे सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, मैं बात तूने कहा मैंने सुन लिया। अज्जू भाई कौन है? टोटल गेमिंग को अज्जू भाई कहते हैं, बाबू भैया तो उसका नाम निकल गया UK07 राइडर का, मुझे मालूम ही नहीं था। अरे मैं, मेरा जो भतीजा है उसको बाबू भैया कहते हैं प्यार से, उसका वो बाबू भैया, मैं राजू, भाई श्याम, हेरा फेरी तो हमने चला रखे है यहाँ पे। बाकी कोई ऑस्ट्रेलियन औरत ही जिसने पहली बार इंडियन स्नैक्स ट्राई किए, बाय गॉड मेरे इतना डबल मीनिंग लगा ना, मैं लिंक दूंगा वीडियो में, जब वो नट क्रैकर बोलती है उसके बाद एक लाइन बोलती है कि जब वो सोन पापड़ी खाती ना कहती है ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैंने अपने मुंह में रखी है। बाय गॉड मैंने वो सुना, मेरा दिमाग ठनकी ठरकी तो है ही। मैं क्या नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कभी नहीं सुधर सकता, अश्लील है ये लौंडा। बाकी छोड़ो, मेरा मूड भी नहीं और न्यूज़ भी नहीं और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलूंगा तुमसे कब बताइए।